वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 12 जून 2021 और 12 जून 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, तो बिहार के सभी कंपिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आप यहाँ पर पहली बार विजिट किए हैं तो आपको बता दूँ कि इस चैनल पर अब तक जितने भी वीडियो करंट अफेयर्स के अपलोड हुए हैं जनवरी से लेकर अब तक, वो सारा का सारा आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में मैंने अरेंज किया, आप वहाँ पर जाकर सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये पांचों महीने के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर वीडियो में आते हैं। और पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, ये प्रश्न था कि हाल ही में प्रकाशित 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक एक नई पुस्तक में बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विनोद कापरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर था। तो सभी लोगों ने इस प्रश्न का राइट आंसर किया है और बहुत सारे लोग इसके बारे में डिटेल में भी लिखे हैं। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं, जून माह से संबंधित तो कुछ प्रमुख दिवस व तिथियाँ हैं उन्हें देख लेते हैं। तो 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस और तेलंगाना गठन दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। और इसके बाद आगे है 9 जून को बलिदान दिवस, जो कि अमर शहीद बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। और 10 जून को विश्व भूगर्भ जल दिवस। और आज है 12 जून और आज है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। जैसे जैसे ये डेट बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर मैं अपडेट करता चलूँगा और यहाँ पर थीम वाला जो सेक्शन है वो मैं आपको एक दिन के बाद एक दिन यहाँ पर रिवाइज भी करता चलूँगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको स्किप नहीं करना है वीडियो को, पूरे मतलब यहाँ जो थीम वाला जो सेक्शन है आपको पूरा देखना है। जब आप इसे बार बार देखेंगे, महीने भर देखेंगे, तो ये आपको याद होगा। जब भी प्रश्न आपसे एग्जाम पूछा जाएगा तो वहाँ पर आपका मतलब गलत होने का चांस ना के बराबर होगा। तो सभी लोग इसे रिपीट मतलब जरूर क्या कीजिए, रोज इसे रिवाइज कीजिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। मैं आपको यहाँ पर एक एक करके सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से वो सारी चीज़ें भी आपको बताऊंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी के रूप में चयनित होने वाली बिहार की पहली मुस्लिम लड़की बनी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रजिया सुल्तान इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूँ कि हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के 64वें प्रतियोगी परीक्षा के नतीजे घोषित हुए, जिसमें बिहार की 27 वर्षीय लड़की रजिया सुल्तान पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी के रूप में चयनित होने वाली बिहार की पहली मुस्लिम लड़की बनी है, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप इस इमेज में देख रहे हैं, यही है रजिया सुल्तान। और यहाँ पर आगे लिखा गया वर्तमान में रजिया सुल्तान बिहार सरकार के बिजली विभाग की कर्मचारी है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे याद रखेंगे और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने ऐसे ही लिखा है उन्हें भी देख लीजिए। तो बीपीएससी की परीक्षा में इस बार कुल 40 अभ्यर्थियों का डीएसपी के रूप में मतलब चयन हुआ है और जिसमें कि 4 मुस्लिम हैं और इन्हीं 4 मुस्लिम अभ्यर्थियों में से रजिया सुल्तान भी एक है, तो ये ध्यान रखेगा। तो अभी ये हाल ही में बिजली विभाग के मतलब कर्मचारी के पद पर कार्यरत है और इनका अभी चयन हुआ है डीएसपी के पद पर। तो ये बिहार की पहली मतलब कि मुस्लिम लड़की है जिनका चयन डीएसपी के पद पर हुआ है, तो रजिया सुल्तान इनका नाम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और फिर यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में मिशन ऑक्सीजन शुरू किया गया है? तो मिशन ऑक्सीजन की शुरुआत अभी हाल ही में बिहार के जहानाबाद से किया गया। अब ये मिशन ऑक्सीजन किया है इसके बारे में आपको बता दूँ, तो कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी और उसकी महत्ता को समझते हुए हाल ही में बिहार के जहानाबाद जिले के युवाओं ने मिशन ऑक्सीजन की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य शादी विवाह समेत खुशी के अन्य अवसर पर महंगे गिफ्ट के बजाय पीपल का पौधा देना है। यानी कि शादी विवाह समेत जितने भी अन्य खुशी वाले अवसर होते हैं उस अवसर पर यहाँ पर गिफ्ट के बजाय पीपल का पौधा देना मतलब यहाँ पर इस मिशन का उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी दी है? तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की मंजूरी अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। अब यहां पर इसके बारे में बता दूं कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है और इस योजना का लाभ मई 2021 से मिलेगा और इसके तहत विद्युत वितरण निगमों द्वारा द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के आधार पर पात्र कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल जारी किए जाएंगे और अनुपातिक आधार पर बिजली बिल का 60% और अधिकतम 1,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, इस योजना का जो लाभ होगा वो मई 2021 से मतलब कि मिलना शुरू
होगा। और यहाँ पर क्या है कि द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था जो है इसके आधार पर जो मतलब इसके लाभुक हैं यानी कि जो कृषि उपभोक्ता हैं उनको बिजली बिल पर जारी जो किए जाएंगे उनमें क्या है कि अनुपातिक आधार पर बिजली बिल में 60% की कटौती मतलब देखने को मिलेगा और साथ ही अधिकतम ये जो होगा ये 1000 रुपये प्रतिमाह इसमें दिया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखेंगे। ये अभी हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना जो मतलब ऊर्जा योजना जो लागू किया गया है ये राजस्थान सरकार के द्वारा ये अभी हाल ही में मतलब कि ये मंजूरी दिया गया है इसे लागू करने का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर बढ़ते हम यहाँ पर बात आई है राजस्थान की। तो राजस्थान के बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में ये राजस्थान की स्थिति है। और राजस्थान की अगर बात किया जाए तो राजस्थान भारत गणराज्य का एक राज्य है जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है और साथ ही यह देश के अन्य 5 राज्यों से भी अपनी सीमा साझा करती है। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। और विश्व के पुरातन श्रेणियों में प्रमुख अरावली श्रेणी राजस्थान की एकमात्र पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी जो है ये राजस्थान की एकमात्र पर्वत श्रेणी है। और आगे है कि जो कि पर्यटन का केंद्र है जो माउंट आबू और प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है इसको सम्मिलित करता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट है इसके अलावा राजस्थान में 2 बाघ अभ्यारण्य जो कि विश्व प्रसिद्ध है जिसमें कि रणथंभौर और सरिस्का है। यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है उन्हें आप याद रखिएगा। और आप सभी जानते हैं राजस्थान की राजधानी है जयपुर जिसे कि पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं कालराज मिश्रा और चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। तो ये सारे फैक्ट राजस्थान से आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न, हाल ही के घोषणा के अनुसार आईपीएल 2021 के बाकी मैच 19 सितंबर से 15 अक्टूबर तक कहाँ खेले जाएंगे। तो आईपीएल के जो बाकी मैच बचे हुए हैं वो 19 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच संयुक्त अरब अमीरात में खेले जाएंगे यानी कि यूएई में खेला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही के घोषणा के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग का 14वां सीजन यानी कि आईपीएल का 14वां सीजन जो कि 2021 में हो रहा था जो कि किसी कारणवश यानी कोरोना संक्रमण के कारण से स्थगित करना पड़ा। तो ये 14वां सीजन का बाकी मैच जो है ये 19 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बीसीसीआई की। तो बीसीसीआई कि भारत का जो मतलब क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है तो भारत में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है। यानी भारत की बात किया जाए तो क्रिकेट की ये सर्वोच्च संस्था है और इसकी जो स्थापना हुई थी ये दिसंबर 1928 में हुआ था और इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके भी वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली तथा सचिव हैं अमिताभ चौधरी। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखें। अब यहाँ पे बात आई है आईपीएल की। तो आईपीएल से जुड़ी कुछ जानकारी है उन्हें देख लेते हैं। तो आईपीएल का अर्थ होता है इंडियन प्रीमियर लीग। ये भारत में एक टी20 क्रिकेट लीग है जो कि आमतौर पर हर साल मार्च और मई महीने के बीच मतलब 8 टीमों द्वारा भारत के 8 अलग अलग शहरों या फिर राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और लीग की स्थापना यानी कि आईपीएल की जो स्थापना हुई थी ये 2008 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया गया था। और वर्तमान में जो चैंपियन है ये मुंबई इंडियंस है जो कि 5 बार ये खिताब जीते हैं और एकमात्र ऐसी टीम है जो 5 बार खिताब जीते हैं। और अभी मैंने आपको बताया इसमें आईपीएल में 8 टीमें होती हैं, 8 टीमें भाग लेती हैं। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखेंगे। बात हो रही है क्रिकेट की तो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है वो है मतलब कि आईसीसी है। आईसीसी के बारे में भी जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। आईसीसी का अर्थ सबसे पहले आपको याद रखना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका ये अर्थ होता है। और इसका जो सिद्धांत है ये अच्छाई के लिए क्रिकेट इसका सिद्धांत है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आईसीसी का मोटो क्या है? तो आईसीसी का मोटो अच्छाई के लिए क्रिकेट। और इसका स्थापना हुआ था 15 जून 1909 को और इसका मुख्यालय है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। और इसके सदस्यता की बात की जाए तो यहाँ पर 104 सदस्य देश हैं और आधिकारिक भाषा आईसीसी की है अंग्रेजी। अभी वर्तमान में चेयरमैन है ग्रेग बारकले जो कि न्यूजीलैंड के हैं और सीईओ हैं मनु सानी, ये भारत के हैं। तो आईसीसी से संबंधित इतनी सारी जानकारी आप याद रखेंगे, कभी भी यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और फिर हमारा पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में विश्व बैंक ने 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 2021 के लिए विश्व बैंक के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जो है ये 8.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। अब यहाँ पर इनसे जुड़ी जानकारी उन्हें देख लेते हैं। तो हाल ही में विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2021 में 8.3% और इसके अगले वर्ष यानी कि 2022 में 7.5% से की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है, ये ध्यान रखेगा। और साथ ही विश्व बैंक के अनुसार 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। तो यहाँ पर 3 वर्षों का ये आंकड़ा जारी किया गया, ये हालांकि अनुमान है, ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो आंकड़ा जारी किया गया है ये 2021 के लिए जो जारी किया गया है ये 2021 में 8.3%, 2022 में 7.5% और उसके बाद 2023 में 6.5%। ये आंकड़े विश्व बैंक के द्वारा अभी हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को लेकर के जारी किया गया। तो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ये एक विशिष्ट संस्था है और इसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। और विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो
सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसका जो मोटो है यानी कि सिद्धांत जो है, ये गरीबी मुक्त विश्व के लिए कार्य करना इसका सिद्धांत है। और इसका स्थापना यानी कि विश्व बैंक का स्थापना 1944 में, जुलाई 1944 में हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इसके सदस्य देशों की संख्या है लगभग 190, और अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और CEO हैं अंशुला कांत। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखेंगे जो कि विश्व बैंक से रिलेटेड है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न है, हाल ही में लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए किसने आई फैमिलिया नामक डेटाबेस लॉन्च किया है? तो आई फैमिलिया नामक डेटाबेस अभी हाल ही में लॉन्च किया गया इंटरपोल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर D यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इनसे जुड़ी जानकारी आपको बता दूँ, तो हाल ही में इंटरपोल ने परिवार के DNA के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए आई फैमिलिया नामक एक नया डेटाबेस है, जो कि नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। तो ये अभी हाल ही में इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह आई फैमिलिया डेटाबेस लापता व्यक्तियों या फिर अज्ञात लोगों के अवशेषों को परिवार के सदस्यों के DNA नमूनों का उपयोग करके पहचान करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये डेटाबेस को भी इंटरपोल के द्वारा मतलब कि लॉन्च किया गया है। अब यहां पे बात आई है इंटरपोल की, तो इंटरपोल क्या है? तो दोस्तों इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है जो कि दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है और इसका जो मुख्यालय है ये लियोन फ्रांस में स्थित है। ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखेंगे। और फिर यहाँ पे सातवां प्रश्न है कि रिजर्व बैंक के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल हाल ही में 2 वर्ष के लिए विस्तार किया गया है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि महेश कुमार जैन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में महेश कुमार जैन की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दिया है और वे अगले 2 वर्ष यानी कि 22 जून 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। आप यहाँ पर जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है महेश कुमार जैन। अब यहाँ पर आगे लिखा है कि हालांकि डिप्टी गवर्नर के तौर पर 3 साल का कार्यकाल 21 जून 2021 को समाप्त होना था। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि 21 जून 2021 को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और यहाँ पर इनके मतलब कि जो कार्यकाल है इसको विस्तार किया गया, यानी कि 3 वर्ष पहले जब इनकी नियुक्ति हुई थी तो ये 3 वर्ष के लिए नियुक्ति हुई थी, लेकिन अब इन्हें पुनः 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, जो कि इनका कार्यकाल अब जो विस्तार किया गया ये 22 जून 2023 तक के लिए विस्तार किया गया है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, RBI की बात आई है, तो RBI के अभी जो वर्तमान में गवर्नर है ये शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें गवर्नर है, ये भी बात यहाँ पर याद रखेगा। अब यहाँ पर बात आई है RBI की, तो RBI से संबंधित जुड़ी जानकारी जो है उन्हें देख लेते हैं। RBI जो कि फुल फॉर्म होता है ये होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि RBI के मतलब कि स्थापना जो हुआ था ये 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और अगला पॉइंट है, रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे कि 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित किया गया। और RBI के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री के सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आप याद रखिएगा। और RBI का प्रतीक चिन्ह ताड़ का पेड़ और बाघ होता है, यहाँ पर आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, ताड़ का पेड़ और बाघ RBI का प्रतीक चिन्ह है, इसका लोगो है। और इसका जो मुख्यालय RBI का ये मुंबई में है, वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि उर्जित पटेल की जगह पे है और ये 25वें गवर्नर है। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखेंगे, ये 25वें गवर्नर है RBI के। दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, अगर आपको वीडियो से हेल्प होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 400 लाइक का, अगर आपको वीडियो से हेल्प हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाइए, ठीक है। अगर आपको लगे कि वीडियो सच में आपके लिए हेल्पफुल है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जाते जाते जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। हमारा 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित गिफ्ट सिटी में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? तो भारत के किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि गुजरात में ये स्थापित किया जाएगा। अब यहाँ पर इनसे जुड़ी जानकारी को देख लेते हैं। तो हाल ही में गुजरात मैरिटाइम बोर्ड गिफ्ट सिटी में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित करने की घोषणा किया गया है, ये आप याद रखेंगे, गुजरात राज्य में इसका स्थापना किया जाएगा। और इस समुद्री क्लस्टर को एक समर्पित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें बंदरगाह, शिपिंग सेवा, सरकारी नियामक आदि शामिल होगा। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखेंगे। अब यहां पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने का दिशा निर्देश जारी किया है?
तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार को ये दिशा निर्देश अभी जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने में आनाकानी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को मतलब सख्त निर्देश देते हुए इसे लागू करने को कहा है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये निर्देश अभी हाल ही में जून 2021 में ये पश्चिम बंगाल को ये निर्देश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब यहाँ पे बात आई है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की। तो वन नेशन यानी कि एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत प्रवासी मजदूर के पास चाहे किसी भी राज्य का राशन कार्ड हो उसे दूसरे राज्य में भी राशन मिल जाएगा, यानी कि वहाँ पर दूसरे राज्य में भी उसे राशन लेने से वंचित नहीं होना पड़ेगा। वहाँ भी आपको मतलब कि प्रवासी मजदूर को वहाँ भी राशन मिल जाएगा। ये मतलब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का मतलब उद्देश्य है कि प्रवासी मजदूर कहीं भी किसी भी राज्य में वो अपना राशन प्राप्त कर सकता है कार्ड के माध्यम से। और आगे कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 2019 में किया गया था, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखेंगे। देखिए हमारा उद्देश्य है कि करंट अफेयर्स की बेस्ट क्वालिटी आपको प्रोवाइड कराना है। अगर आप घर बैठे बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो आप हमारे करंट अफेयर्स को रेगुलर फॉलो कीजिए। हमारा एक ही उद्देश्य है आपकी तैयारी को करंट अफेयर्स के पक्ष में खास करके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना। तो दोस्तों आप इस चैनल पर आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले एक वर्ष जो कि 2020 में भी पूरे वर्ष में आपको करंट प्रोवाइड किया था और इस वर्ष भी यहाँ पर मैं आपको करंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण को ध्यान रखिए, हमारे साथ बने रहें। आप जहाँ से भी पढ़ाई करते हैं लेकिन करंट अफेयर्स का क्लास यहाँ पर रोजाना जरूर कीजिए, रोजाना अपलोड होता है चैनल पर, तो इससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है कि किस सोशल मीडिया कंपनी ने हाल ही में लॉ स्टूडेंट्स के लिए टेक स्कॉलर प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के द्वारा अभी हाल ही में लॉ स्टूडेंट्स के लिए टेक स्कॉलर्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूँ कि हाल ही में फेसबुक इंडिया ने भारत में कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए एक नई पहल फेसबुक इंडिया टेक स्कॉलर यानी कि फिट्स कार्यक्रम लॉन्च किया है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के चुनिंदा प्रमुख लॉ कॉलेजों के छात्रों को प्रौद्योगिकी कानून और नीति से संबंधित विषयों पर अनुसंधान और परामर्श के लिए मंच प्रदान करना है, ये इसका उद्देश्य है जो कि अभी हाल ही में फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर इसको नाम याद रखिएगा, इस मतलब कार्यक्रम का जो नाम है ये है, इस कार्यक्रम का नाम है फेसबुक इंडिया टेक स्कॉलर यानी कि फिट्स। तो ये सारी जुड़ी जानकारी आप याद रखेंगे। और यहाँ पे फेसबुक से जुड़ी एक जानकारी ये है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान रखिए फेसबुक जो है ये एक अमेरिकी कंपनी है और इसके संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग, ये आपको ध्यान रखना है। और फेसबुक का सबसे मतलब कि जो स्थापना हुआ था तो उस समय फेसबुक का नाम था द फेसबुक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है कि हाल ही में बंगाली फिल्म निर्माता और कवि बुद्धदेव दास गुप्ता का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो बुद्धदेव दास गुप्ता का भी हाल ही में 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में बंगाली फिल्म निर्माता और कवि बुद्धदेव दास गुप्ता का 77 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हुआ है। वह किडनी की बीमारी से ग्रसित थे, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप इस इमेज में देख रहे यही हैं बुद्धदेव दास गुप्ता, और इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि बुद्धदेव दास गुप्ता ने अपने जीवन में 5 बार नेशनल अवार्ड जीता था, तो ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की लेखिका तिसी तिसी डांगरे मबका को पेन पिंटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ये किस देश की रहने वाली है, नाम थोड़ा सा अटपटा है, तिसी तिसी डांगरे मबका ये किस देश की रहने वाली है जिन्हें अभी हाल में पेन पिंटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ये जिम्बाब्वे की रहने वाली है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूँ कि जिम्बाब्वे की लेखिका तिसी तिसी डांगरे मबका को हाल ही में उनकी पुस्तक एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेट वाइटल ट्रूथ इवेंट एमिड्स टाइम्स टू अपहेवल के लिए पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है यहाँ पर तिसी तिसी डांगरे मबका, ये जिम्बाब्वे की रहने वाली है। और इन्हें पिछले साल 2020 में भ्रष्टाचार के विरोध में जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में गिरफ्तार भी किया गया था, ये भी बात आप याद रखेंगे। और यहाँ पे बात है पेन पिंटर अवार्ड की, तो पेन पिंटर अवार्ड की स्थापना वर्ष 2009 में नोबेल पुरस्कार विजेता हेराल्ड पिंटर की स्मृति में किया गया था, तो ये जुड़ी जानकारी है, इसे आप याद रखिए। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है 11 जून 2021 को बिहार के किस नेता के जन्मदिन पर सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस मनाया जा रहा है। तो इस प्रश्न का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, इसका आंसर क्या होगा। आपको मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। आप चाहें तो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। कहा जाता है जब किसी चीज़ को डिटेल में लिखते हैं तो वो आपको लंबे समय तक के लिए याद हो जाता है, और इसी मतलब कि वो आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अब यहाँ पर आपको एक ई बुक के बारे में बता दूँ, ये जो PDF है ये PDF हाल ही में इस चैनल के माध्यम से लॉन्च किया गया है, और इस PDF में विगत 28 वर्षों से बिहार में
जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उसके प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। इस पीडीएफ में 2500 से अधिक प्रश्न है जो कि बाइलिंगुअल है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, इसे आप प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से और इससे तैयारी आपकी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि कहा जाता है और ऐसा वास्तविकता भी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वो आपके एग्जाम की रूपरेखा आपको बताता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, वहाँ से आपको ये सारी समझ आती है, आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह का पीडीएफ आपको बहुत जल्दी नहीं मिलेगा, इसे बहुत मेहनत के बाद तैयार किया गया, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा किया गया तब जाकर ये पीडीएफ तैयार किया गया है और ये आपको केवल और केवल 100 रुपये में प्रोवाइड किया गया है। आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको पेड ग्रुप से जुड़ी जानकारी दे दूँ, अगर आप घर बैठे 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो इस चैनल के माध्यम से इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इस पेड ग्रुप के तहत आपको क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इस पेड ग्रुप के तहत टेस्ट सीरीज मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन सहित, ये फुल लेंथ टेस्ट होगा जो कि हर प्रश्नों का आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक वर्ष का करंट अफेयर्स मिलेगा जो कि 2021 का बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स मिलेगा, और अगर आप चाहेंगे पिछले वर्ष का वार्षिकांक 2020 वाला तो वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर संपूर्ण बिहार जीके वो आपको दिया जाएगा जो कि 2 वॉल्यूम में होगा, और बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्राचीन इतिहास और विश्व इतिहास का पीडीएफ यहाँ पर आपको मिलेगा। और इसके अलावा बहुत सारे पीडीएफ है जो आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा 4 चीज़ है वो है टेस्ट सीरीज, दूसरा है करंट अफेयर्स, और तीसरा है बिहार जीके, और चौथा है ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये 4 के लिए यहाँ पर आपको पेड ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। अगर आप इसे ऐड होना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पे हमारे पेड मतलब कि pre21 लिख के मैसेज करें। इसका जो फी है ये 399 है, ये एक वर्ष की वैलिडिटी के साथ है। ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर इसे ज्वाइन कर चुके हैं तो अगर आप इसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको पुनः एक बार बता दूँ कि फ्री वाले ग्रुप में सिर्फ डेली करंट अफेयर्स का जो PPT होता है जिसके माध्यम से मैं पढ़ाता हूँ वो वाला ही सिर्फ सेंड होगा, उसका PDF नहीं निकल सकता है। अगर आप निकालेंगे भी तो आपको बहुत ही ज़्यादा खर्च हो जाएगा, ठीक है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। जो पेड ग्रुप है वहाँ पर आपको चीज़ें बेहतर प्रोवाइड की जाती है। मैं आपसे फी ले रहा हूँ 399 रुपया, तो कुछ तो आपको बेहतर दूंगा ना, तो ये ध्यान रखेगा। हालांकि अभी मार्केट में देखेंगे आपको 1000 से 1500 के बीच में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज, और वो भी 10 से लेकर 15 टेस्ट सीरीज का आपको 1000 से 1500 लिया जा रहा है। यहाँ पर आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे तो 50 टेस्ट सीरीज मिलेगा, वो भी विथ फुल एक्सप्लेनेशन। आपको यहाँ पर यकीन नहीं होगा, आप हमारे पेड ग्रुप यहाँ पर जो मैसेज है ये व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप मैसेज कीजिए, आपको एक डेमो PDF मिलेगा टेस्ट सीरीज का और करंट अफेयर्स का, और यहाँ पर सभी चीज़ें सभी का आपको एक डेमो PDF मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे, अगर आपको लगेगा कि हाँ सच में कंटेंट मेरा अच्छा है तो आप इसे ज्वाइन करेंगे, अन्यथा कोई बात नहीं, ठीक है। एक बार आप मुझे मैसेज कीजिए और इसका डेमो PDF मंगाइए और देखिए उसके बाद निर्धारित कीजिए आपको ये लेना है या कि नहीं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।